हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, आज के दिन 1 मार्च को बेसिकली आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और बहुत सारे लोगों को जो ग्रामीण बैंक है वो एलोकेट कर दी गई हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ही माइनर मार्क्स से इस पूरे सिलेक्शन में नहीं हो पाए और उनको रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। बेसिकली रिजर्व लिस्ट की जो कट ऑफ है वो भी आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पीडीएफ अपलोडेड है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि ये रिजर्व लिस्ट कब तक डिक्लेयर होगी, तो आपको दो तीन चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा और आपको एक चीज में और मेरी पर्सनल सजेशन आपको और भी रहेगी, तो आप पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सबसे पहली चीज ये है कि दोस्तों, इस बार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट लगभग 2-2.5 महीने डिले हुआ है। वैसे आपका जनवरी वगैरह में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन आप इतना देख सकते हैं कि ये नियर अबाउट मार्च में आ रहा है। ओके, तो ये आप सोच कर चले कि इस साल जो आपका आईबीपीएस का कैलेंडर डिक्लेयर हो चुका है, मतलब जो भी आपके आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम स्टार्ट होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि अगस्त सितंबर के आसपास में ये वाली रिजर्व लिस्ट आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। और अगर अपनी तय तिथि पर, वैसे तो आईबीपीएस के एग्जाम एज यूजुअल अपने ही टाइम पर होंगे, इस साल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका रिजल्ट भी नियर अबाउट जनवरी में अपने टाइम पर आ जाएगा। ओके, तो वेटिंग लिस्ट जो है, जो रिजर्व लिस्ट है दोस्तों, वो आपकी पहले ही क्लियर कर दी जाती है 3-4 महीने के आसपास में, तो अभी लंबा टाइम है। और मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, मैंने यहाँ पर बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, अभी आपको एक दो कमेंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आया हुआ है कि रिजर्व लिस्ट कब तक आएगी। यहाँ पर सनी ने लिखा है कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, 50.60 मेरे हैं और मेरे मार्क्स 48.10 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, राजस्थान से, तो क्या कोई चांसेस है रिजर्व लिस्ट में? ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि मेरा 2.4 मार्क्स मेरा लेस है, ठीक है। कोई बोल रहा है कि मेरा 55.5 बन, ये गुजरात का जनरल का आया हुआ है और कट ऑफ 56.32 है। ओके, तो मतलब मैं बहुत ही माइनर मार्क्स से पीछे रह गया हूँ, तो क्या मेरे चांसेस यहाँ पर बनेंगे? देखो, आप रिजर्व लिस्ट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर सकते, यहाँ पर बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। देखो, ये चांसेस तो, क्योंकि इस बार बहुत ही आपने देखा ना कि आईबीपीएस पिछले 2-3-4 सालों से क्या कर रहा है, जो स्कोर कार्ड निकालता है वो बहुत ही डेसिमल पॉइंट तक निकालता है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के, जो आप देख सकते हो कि लगभग 1 मार्क का उनके बीच में डिफरेंस है, कोई ऐसा बंदा होगा जो 1.25 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हायर चांसेस उन्हीं के बनेंगे जो जितने कम मार्जिन वाले लोग होंगे। अब ये डेटा किसी के पास नहीं होता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो इतने मार्जिन से पीछे रह गए, ऐसे कितने लोग हैं जो 1.5 नंबर से पीछे रह गए, 2 नंबर से पीछे रह गए। हमारे पास जो लोगों के कमेंट आए हैं, बहुत ही मामूली सा सैंपल स्पेस, बहुत ही कम वाला है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस साल जितने भी एग्जाम्स हो इनको सीरियसली दो, और ये जो रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट वाली चीज़ है ये इसको साइडलाइन रख दो। अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड है, हम इसके ऊपर पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं रह सकते कि मतलब हमारा रिजर्व लिस्ट ही क्लियर होगा, मेरा हो जाएगा। किसी ने आपको बोल दिया कि आपका हो जाएगा, आपने एग्जाम दे दिया, फिर आप बिल्कुल लीनियंट होकर बैठ गए, ये गलती आप मत करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों अपने कैरियर में उनका स्टॉप लग जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप SBI क्लियरिकल के लिए अभी से फोकस कर लो, RRB PO वगैरह आएगा, IBPS PO क्लियरिकल आएगा, इनके लिए जहाँ पर आपको कम इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस साल के लिए आप अच्छी तरीके से फोकस अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इनसे क्या है कि आपकी आगे की गाड़ी और भी अच्छी चलेगी। बाकी कौन सी चीज़ कब आएगी, स्टेट्स कोई एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये डेटा किसी के पास दोस्तों होता ही नहीं है। अपनी आपको कोई भी इधर उधर की झूठी तसल्ली देने के लिए बोल देगा कि यार आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बोनस बताकर चल रहा हूँ कि ये जितना भी, चाहे आपका 1-1.5-2 नंबर आपको पीछे रह गया हो, देखो पहले बहुत ही क्लोज कॉल वालों को बुलाया जाएगा, ये तो श्योर है, ठीक है। तो अगर आपका बच गया है तो आप इसको साइडलाइन करो, ये बिल्कुल आपके लिए बोनस है, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम आगे के और भी एग्जाम देंगे। एक चीज़ दोस्तों और आपको बताना चाहूँगा, जब कंटेंट बहुत अच्छा हो तो ऑब्वियसली मैं आप सभी के साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। प्रैक्टिस मॉक का आप 1 साल का जो इनका पैक है, प्रो पैक, वो आप ले लो, उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि पूरे साल के सारे एग्जाम मिलेंगे और जो प्रीवियस साल वाले एग्जाम है, ठीक है, जैसे अभी RRB देख पा रहोगे, IBPS क्लियरिकल देख पा रहोगे, ठीक है, SBI क्लियरिकल देख पा रहोगे, ये बोनस के हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे रिक्रूटमेंट रहेगा, वैसे वैसे वो नए वाले टेस्ट तो ऐड करेंगे, लेकिन अभी पुराने भी एक्टिवेटेड कर रखे हैं। तो आप इनको डेली बेसिस पर बनाओ और कोशिश करो कि जितने मॉक टेस्ट आपसे छूट गए हों, उन मेंस वाले मॉक को भी आप पूरा कर लें। ओके, और कंटेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा है और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप इनको बनाओ। लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी अब तो हमने आपको करंट अफेयर्स की PDF भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है। 1 साल का हमारा करंट अफेयर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी IBPS क्लियरिकल मेंस हुआ, लगभग 238-240 क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के जितना भी पोर्शन था उसमें हमारा एक आध क्वेश्चन रह गया था, वैसे हमने सारा कवरेज किया था
और हर एक क्वेश्चन हमने कम्युनिटी टैब पर भी डाला है, वीडियो भी बनाई जिसमें लगभग 11,000 लोगों ने देखा और उन्होंने कहा कि हाँ आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो हम करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल बना रहे हैं। आप अगर ये पीडीएफ वाला अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन कर लोगे, इसमें आपको एक साल तक पूरी पीडीएफ मिलेगी और सबसे सस्ती पीडीएफ हमने रखी है। लगभग 500-700 क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपके वन लाइनर भी होते हैं, वीकली वीडियोस डेली फ्री है, वीकली फ्री है, मंथली फ्री है। केवल हम पीडीएफ का आपसे चार्ज कर रहे हैं, वो केवल है 249। तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करें और अपने एग्जाम को आगे क्वालिफाई करें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बन सके